तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इस टाइप की वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूं और आप भी अपनी फ़ोटो लगाकर सेम इस टाइप की वीडियो बना सकते हो। तो यहां पे ना मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा जिसकी मदद से आपको इस टाइप की वीडियो बनाने में आसानी होगी। बस आपको कुछ नहीं करना होगा, अपनी फ़ोटो से ऐड करनी होगी और दो तीन इफेक्ट लगाने होंगे तो आपकी वीडियो बन जाएगी। प्रोजेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन होगा इसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप मेरी वीडियोज़ देख के इस टाइप की वीडियोस बना सकते हो जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आपकी रील्स बन जाएगी तो यहाँ पे आप देखते हो यूज ऑडियो लिखा है ना, इस पे क्लिक करके अपनी रील्स अपलोड कर देना तो आपकी रील्स भी यहाँ पे शो होने लगेगी। तो इस ऑडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप रील्स अपलोड कर सकते हो और फाइल का लिंक तो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशन होने चाहिए। पहले नंबर पे तो VN एप्लीकेशन होता है, इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और सेकंड नंबर पे टेलीग्राम ऐप। ये दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना होगा। तो बाद में आपको इस वीडियो के कमेंट में फाइल का लिंक मिलेगा ना, जब फाइल वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो आप भी ज्वाइन कर लेना। तो इसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पर लिखा मुश फुट पे गबरू नू, तो इस फाइल पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जब इस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके VN एप्लीकेशन होता है उस ऐप में ओपन होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन प्रोजेक्ट। तो ओपन प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका जो फाइल मैंने दी है ओपन हो जाएगी आपके VN एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ है। तो आपको ना दोनों उंगलियों से इस तरह से करना होगा, इसकी लेंथ को बढ़ा लेनी होगी। जो फर्स्ट नंबर वाली फ़ोटो है इस फोटो पे आप क्लिक करोगे, नीचे रीप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर आपको चले जाना होगा फोटोज़ वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर फोटोज़ लिखा हुआ है और फर्स्ट नंबर पर वीडियोज़ लिखा हुआ है। तो आपको फोटोज़ वाले ऑप्शन पर जाकर आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी जिस जो कि आप लगाना चाहते हो इस वीडियो में। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड हो गई है। इसके बाद फिर आपको सेकंड नंबर वाली फ़ोटो पे जाना होगा, फिर इस फोटो पे क्लिक करना होगा, नीचे लिखा हुआ है रीप्लेस, रीप्लेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, फिर फोटोज़ वाले ऑप्शन पे जाकर फिर वही फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देख सकते हो फोटो ऐड हो गई हैं। इसी तरह से सभी जगह पर ना रीप्लेस करते जाना होगा। रीप्लेस करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कौन सा फ़िल्टर लगाना होगा। तो मैं जल्दी से फ़ोटो रिप्लेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको रिप्लेस करना तो पता चल गया होगा, चलो फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो है, इस फ़ोटो पे आपको क्लिक करना होगा, नीचे रिप्लेस लिखा है इस पर क्लिक करके फिर फोटोस वाले ऑप्शन पर जाकर वही फ़ोटो सेलेक्ट कर लें जो आपने पहले सेलेक्ट की थी। इस तरह से आप अपनी फ़ोटोस ऐड कर लेना। इसके बाद क्या करना होगा, तो मैं जल्दी से रिप्लेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इफेक्ट भी लगा लेता हूँ, तो आपको फिर मैं बाद में बताता हूँ कौन से फ़िल्टर लगाने होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो रिप्लेस कर ली है और फ़ोटो को क्रॉप भी कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगा फ़ोटो क्रॉप कैसे करते हैं, इफेक्ट कैसे लगाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप फ़ोटो रिप्लेस करोगे तो आपकी फ़ोटो इस टाइप की होगी, फुल साइज़ की। इस तरह से आप रिप्लेस कर लेना। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आना है, यहाँ पर मैंने फ़ोटो क्रॉप की है। फ़ोटो क्रॉप करना आपको बता रहा हूँ, जब आपने फ़ोटो रिप्लेस करी होगी तो आपकी फ़ोटो इस तरह होगी, आप देख सकते हो इस तरह फुल साइज़। तो आपको ना जूम कर लेनी होगी, इस तरह से दोनों उंगली से फ़ोटो को जूम करोगे तो इस तरह से क्रॉप कर लेना है। तो आगे चले जाना होगा, थर्ड नंबर वाली फ़ोटो को इस तरह क्रॉप करना होगा आपको, आपकी फुल साइज़ इस तरह होगी फ़ोटो। तो थोड़ा सा करके यहाँ पे इस तरह क्रॉप कर लेनी होगी। सेम इसी तरह करना होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो सेम उस टाइप की वीडियो बन जाएगी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो जो फोर नंबर वाली फ़ोटो है इसको फुल साइज़ देने देना, इसको कुछ नहीं करना होगा। और फिफ्थ नंबर वाली फ़ोटो है आपकी फुल साइज़ होगी फ़ोटो, जब आपने रिप्लेस करी होगी। उसके बाद आपको दोनों उंगलियाँ जूम कर लेनी होगी यहाँ पे, तो आपको फेस लेकर आना होगा यहाँ पे इस तरह से फिफ्थ नंबर वाली फ़ोटो पे। तो उसके बाद सिक्स नंबर वाली फ़ोटो है, आपको फुल साइज़ फ़ोटो लेने देना होगा, जब आपने रिप्लेस करी होगी तो आपकी फ़ोटो इस तरह होगी इस तरह। तो आपको यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद मिरर का ऑप्शन दिखेगा, फ़ोटो पर क्लिक करना होगा, नीचे मिरर का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक कर देना होगा, आपकी फ़ोटो मिरर हो जाएगी। तो इस तरह से ना आपको सेवन नंबर वाली फ़ोटो पर चले जाना होगा, तो आपकी फ़ोटो इस तरह होगी जब आपने रिप्लेस करी होगी। तो आपको क्या करना होगा, नीचे फ्लिप का ऑप्शन दिखेगा, आपको एक फ़ोटो पे क्लिक करना होगा पहली बार, उसके बाद आपको फ्लिप के क्लिक कर देना होगा, तो आपकी फ़ोटो फ्लिप हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सेवन नंबर पे
फ्लिप कर लेनी होगी। तो यहाँ पर टाइमिंग भी दे सकते हो 0.67 सेकंड पे, इसके हिसाब से भी आप फ़ोटो फ्लिप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.72 सेकंड पर मैंने फ़ोटो को क्रॉप किया है, मतलब जूम किया था। यहाँ पर आपकी फ़ोटो इस तरह होगी, तो 0.72 सेकंड पर आपको फ़ोटो को जूम कर लेना होगा इस तरह से। इसके बाद फिर आगे जाना होगा, 0.72 कर लिया था मैंने, 0.81 सेकंड पर फ़ोटो को फ्लिप किया, इस फ़ोटो को फुल साइज रहने देना होगा आपको। तो यहाँ पर नीचे फ्लिप का ऑप्शन दिखेगा, फ़ोटो पे क्लिक करके फ्लिप कर लेनी होगी, आपकी फ़ोटो फ्लिप हो जाएगी। तो इस तरह से आगे जाना होगा आपको, 0.90 सेकंड पर आपकी फ़ोटो फुल साइज रहने देनी होगी आपको। फिर आपको 0.99 सेकंड पर आपको फ़ोटो को मिरर कर लेना होगा इस तरह से। पहले आपकी फ़ोटो रिप्लेस करने से इस तरह होगी, तो आपको मिरर कर लेना होगा, तो आपकी फ़ोटो इस तरह होगी। इसके बाद 1.10 सेकंड पर आपको फ़ोटो को फ्लिप कर लेना होगा, फ़्लिप करना तो आपको पता चल गया होगा, तब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसके बाद आपको 1.19 सेकंड पर, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.19 सेकंड पर आपको फ़ोटो को फुल साइज रहने देना होगा। इसके बाद 1.28 सेकंड पर आपको फ़ोटो को क्रॉप कर लेना होगा, क्रॉप करना तो आपको पता चल गया होगा, आपकी फ़ोटो इस तरह होगी फुल साइज में, तो आपको जूम कर लेनी होगी इस तरह से, तो यहाँ पे क्रॉप कर लेनी होगी। क्रॉप करने के बाद फिर आगे चले जाना होगा आपको, 1.36 सेकंड पर आपको फुल साइज रहने देनी होगी, 1.46 सेकंड पर आपको फ़ोटो को जूम कर लेना होगा, आपकी फ़ोटो इस तरह होगी, फिर आपको जूम कर लेना होगा। इसके बाद आपको आगे चले जाना होगा, 1.56 सेकंड पर आपको फ़ोटो को मिरर कर लेना होगा फ़ोटो पे क्लिक करके। इसके बाद आपको चले जाना होगा 1.68 सेकंड पर आपको फ़ोटो को मिरर फ्लिप कर लेना होगा, सॉरी फ्लिप के कर इस तरह होगी, फ़ोटो को फ्लिप कर लेनी होगी, आपको फ़ोटो इस तरह हो गई। इसके बाद 1.75 सेकंड पर आपको फ़ोटो को मिरर कर लेना होगा। इसके बाद आगे जाना होगा आपको, 1.86 सेकंड पर फ़ोटो को फ्लिप कर लेना होगा। फिर आगे जाना होगा, 1.96 सेकंड पर आपको फ़ोटो को क्रॉप कर लेना होगा, आपकी फ़ोटो इस तरह होगी। इसके बाद थोड़ा जूम कर लेना होगा, तो इस तरह से क्रॉप कर लेनी होगी। फिर आगे जाना होगा आपको, 2.4 सेकंड पे आपको फ़ोटो को इतना जूम कर लेना होगा, आपकी फ़ोटो फुल साइज होगी, तो आपको थोड़ा सा जूम कर लेना होगा इस तरह से। फिर आगे जाना होगा आपको, 2.13 सेकंड पे आपकी फ़ोटो को पूरा जूम कर लेना होगा इस तरह से। फिर थोड़ा सा आगे जाना होगा आपको, 2.26 सेकंड पे आपको फ़ोटो को फुल साइज रहने देना होगा। उसके बाद फुल साइज रहने देने के बाद आपको एक बार फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वाइट इफेक्ट दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा, और नीचे इसकी ड्यूरेशन जो है इसको बढ़ा देनी होगी, 0.5 सेकंड है, नीचे टिक कर लेनी होगी। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाना होगा, यहाँ पे आपको फुल साइज फ़ोटो रहने देनी होगी। फिर आपको फ़ोटो पे क्लिक करके नीचे एफएक्स ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा, तो जिटर डाउन का ऑप्शन दिखेगा, इस इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा, तो ये वाला इफेक्ट आपकी वीडियो में लग जाएगा। उसके बाद आपको नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ये इफेक्ट भी आपके लग गया। फिर आके आपको यहाँ पे फ़ोटो रिप्लेस कर लेनी होगी। रिप्लेस करने के बाद आपको एक बार फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके जूम इन पे क्लिक कर देना, तो आपकी फ़ोटो जूम इन होने लगेगी। तो फिर आके आपको जाना होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो मूव हो रही है, तो आपको फ़ोटो रिप्लेस करने के बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, नीचे रिप्लेस जूम का ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मूव राइट कर लेन टिक कर लेनी होगी, तो आपकी फ़ोटो मूव राइट होने लगेगी। तो इसके बाद फिर आगे चले जाना होगा आपको, यहाँ पे फ़ोटो जूम आउट हो रही है, तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जूम आउट कर लेनी होगी, तो आपकी फ़ोटो भी जूम आउट होने लगेगी। फिर आपको आगे जाना होगा, यहाँ पे आप देखो मूव राइट हो रही फ़ोटो, तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मूव राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, तो आपकी फ़ोटो मूव राइट होने लगेगी। फिर आगे जाना होगा, तो यहाँ में जूम इन हो रही है फ़ोटो, तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके नीचे जूम का ऑप्शन दिख रहा है, जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जूम इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, तो ये वाला इफेक्ट आपकी फ़ोटो में लग जाएगा। फिर आपको आगे जाना होगा, यहाँ पे 6.15 सेकंड पे आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट जूम और मूव हो रही है फ़ोटो, आपको फ़ोटो पे क्लिक करके जूम वाले ऑप्शन पे जाकर मूव डाउन पे क्लिक कर देना होगा, तो ये इफेक्ट भी आपकी फ़ोटो में लग जाएगा। फिर आगे जाना होगा आपको, फिर आपको फ़ोटो पे क्लिक करके जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मूव अप कर लेना होगा, टिक कर लेनी होगी, तो मूव अप होने लगेगी आपकी फ़ोटो। तो इस तरह से आप इफेक्ट लगा सकते हो। लास्ट में दो फ़ोटो रह गई हैं, इसको भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, फिर जूम वाले ऑप्शन पे जाकर जूम आउट पे क्लिक कर देना, आपकी फ़ोटो जूम आउट होने लगेगी। फिर आगे जाना होगा, यहाँ पे लास्ट वाली फ़ोटो है,
लास्ट वाली फ़ोटो पे क्लिक करके जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मूव राइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना, ये वाला इफेक्ट भी आपकी फ़ोटो में लग जाएगा। तो अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो सेम वैसी रील्स बन गई जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखी है। तो इस रील को आपको गैलरी में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा और नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, आपकी रील्स गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यूज़ ऑडियो का लिंक तो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप रील्स अपलोड कर देना तो आपकी रील्स वहाँ पर शो होने लगेगी। तो अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन वीडियो को जरूर वॉच करें, ये भी रील्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।